अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 24 है, मैथमेटिक्स क्लास है 10th, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1, टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। और इसका पहला सवाल है हमारे पास, ठीक है, ये सवाल मैंने लिख दिया, 3t^2n-6 t^2n-3 + 9 2n-5, ये पावर है इसकी। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम, 3 जो है डिवाइड कर सकता है सबको, 3 कॉमन आ जाएगा, 2n, ये भी सब में से कॉमन आ रहा है, तो 3t^2n हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू सेम कॉमन आ गई तो 1 बच जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें से ये कॉमन चला गया तो t^-3 बच गई, फिर प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 9 को 3 आ जाएगा, ये कॉमन गया तो t^-5 बचेगा। और इस पावर को हम पॉजिटिव लिखते हैं, तो पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि ये अपॉन में आ जाएगी, 2/t^+3 और ये 3/t^+5। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख दिया है, इसमें भी हम कॉमन लेंगे 3 और 6, ये 6 से 3 डिवाइड हो सकता है, 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, ये 1 पावर है, तो हमेशा जो है लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, 1 पावर कॉमन आएगी, x-2 के ऊपर 1 है, इधर 2 है, तो इधर से एक फैक्टर ये कॉमन आ गया और x-2 कॉमन आ गया। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पर क्योंकि 2 पावर है तो एक फैक्टर यहाँ बच जाएगा, और फिर यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2, इसमें ये स्क्वायर है तो एक फैक्टर यहाँ बच जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये वैल्यू एज इट इज। इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हो गया 2x-4 हो गया, अब ये बस आपका आंसर हो गया। तो ये इसमें 2x पहले लिख देते हैं, ये 3 में से 4 माइनस तो -1 बचेगा, ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दिया है, a+ab+cd² फिर -ac-bd² ये भी समझ में, पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगेगा a² - b², ये बराबर था a+b और a-b। अब इसके हल करने का प्रोसेस ये है कि हम इसके दो फैक्टर बना देंगे, ये a की जगह हो गई वैल्यू और प्लस बी की जगह ये वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद a-b तो ये ab और cd और ब्रैकेट के बाद ये आ गया -ac-bd, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके दरमियान का ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो गया ab + cd + ac और -bd, ये भी दरमियान का ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो गया -ac+bd, ये आपके पास आंसर हो गया तीसरे सवाल में। इस सवाल में भी हम तमाम टर्म में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन आ सकता है 2, ठीक है, इन दो से इसके सब में से कॉमन जो है आ रहा है x² है, इधर x^4 है, इधर 3 है, इधर 1x कॉमन आ सकता है, y^3 है, 1 है, 2 है और यहाँ पर है 4, तो इसमें से भी x और y कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा 2x बचेगा और y पे बचेगा स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचेगा और x³ बचेगा, और फिर उसके बाद ये माइनस एज इट इज, इसमें से 3 बचा और x² बचेगा, y बचेगा, इधर भी 3 बचेगा और वाई एक्स तो कॉमन चला गया, अब बचेगा वाई क्यों बचेगा। अब मजीद हम ये करेंगे कि इसमें से कॉमन लेंगे दो दो टर्म से, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x,
तो ये वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ सकता है थ्री और वाई कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों सेम ही है तकरीबन, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स वाई बचा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो इस ब्रैकेट में जो बाहर वैल्यू होती है टू एक्स, उस ब्रैकेट के बाहर माइनस थ्री वाई है, तो ये हम एक अलग ब्रैकेट में रख देंगे, ये फैक्टराइजेशन का रूल है। तो ये आपका जवाब हो गया चौथे सवाल का। अब हमारे पास ये चार टर्म दी हुई हैं, इन सब में से भी हम देखेंगे कॉमन क्या आ सकता है। ए की पावर थ्री है, टू है, वन है, फोर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, बी फोर है, बी की पावर वन है, सी की पावर वन वन है, इन सब में से ए बी सी कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बचेगा और बी बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर ए बच गया और बी स्क्वायर बच गया, सी तो कॉमन ही चला गया, यहाँ से ए और बी चला जाएगा तो ये सी भी, तो बी क्यूब बच जाएगा, यहाँ ए क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद मैं अरेंज करता हूँ, फैक्टराइज करने के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। अरेंज हम करते हैं इसमें, सबसे पहले लिख देते हैं ए क्यूब, फिर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर बी, फिर उसके बाद इन दो टर्म को लिख दें ए बी स्क्वायर और ए बी क्यूब। ये ए बी ऐसे थे सी रहेगा, इसमें से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी बच गया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी इधर भी बच गया। ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये सेम वैल्यू कॉमन आएगी ए बी सी ऐसे थे, ये हो गया ए प्लस बी। ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है ए स्क्वायर, उधर ब्रैकेट के बाद बी स्क्वायर है, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया पांचवा सवाल का। इसमें तीन टर्म आपको दी हुई, इसमें सेम वैल्यू जो है पी क्यू प्लस क्यू आर, यहाँ पर भी है इधर भी है, ये वैल्यू कॉमन आ रही है पी क्यू प्लस क्यू आर, ये हमने तीनों से कॉमन ले ली। तो अब ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर ए एन बी एन प्लस सी एन, ये हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। मजीद इसमें से क्यू कॉमन आ सकता है, तो पी प्लस आर बचेगा, यहाँ ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन बचेगा, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर फैक्टराइजेशन में एक फार्मूला यूज होगा, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, फिर टू, ये दो ब्रैकेट बना दें, फिर उसके बाद इधर टू का स्क्वायर लिखें, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू इधर आ जाएगी, यहाँ से ये सेकेंड वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ए की जगह हो गया ए सी और ये बी की जगह हो गया टू होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी जो फैक्टर है ये तीन टर्म है, इसमें भी फार्मूला लगेगा, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो इसको हम लिखते हैं एक्स वाई पे फोर पावर है, टू अंदर रहेगी, टू वाई स्क्वायर आ गया, फिर टू आ गया, फिर यहाँ दो ब्रैकेट बना दें, फिर हम 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म इधर से लिख देंगे, इधर एक्स वाई स्क्वायर 9 जो है इधर आ जाएगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नवा सवाल भी सेम ऐसा ही है, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर की जगह है, ये 81 जो है बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर में बनी हुई है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, फिर ये ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू, ए माइनस बी इधर से आ गया, यहाँ से 9 आ गया। अब इसको फार्मूले में बंद कर देंगे ए माइनस बी और प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी समझ लेते हैं, यही फार्मूला लेंगे, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m के ऊपर n पावर, t के ऊपर n पावर, और ये आ गया स्क्वायर, ये 2 आ गया, तो ये दो ब्रैकेट। फिर हम इधर लिखेंगे 4 z के ऊपर n पावर और होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, ये सेकेंड वैल्यू इधर से आ जाएगी, ये n है इसके ऊपर। फिर ये फार्मूले में बंद कर देंगे उसे, m के ऊपर m, t के ऊपर n, फिर 4z के ऊपर n का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जवाब हो गया इसका फाइनल, a प्लस b होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर देंगे a प्लस b होल स्क्वायर में। ये फर्स्ट वैल्यू एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दें, फिर यहाँ 2 ब्रैकेट का आ गया, फिर a और ये b हो गया। अब इसको स्क्वायर में लाना है हमें, तो स्क्वायर में लाने का तरीका ये था, इसका रूट ले लें आप, तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये होगा, ठीक है, ये 0.05 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप लिख दें एक्स वाई, इधर से आप ये लिख दीजिए 0.05, ठीक है भाई। तो अब ये फार्मूले में बंद हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो गया 0.05 का होल स्क्वायर, ये आपका जवाब हो गया। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2/3, ये a की जगह आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर 2 फार्मूले का हो गया, 2 ब्रैकेट बना दें इधर, इधर हम लिखेंगे 3/2 वाई है ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू इधर लिख दें आप 2/3x, यहाँ से इधर लिख दीजिए, यहाँ क्योंकि वाई के ऊपर 4 पावर है, तो एक वाई के ऊपर स्क्वायर अंदर भी लगाएंगे, ठीक है जी, तो ये 3/2y2। तो अब ये फार्मूला बंद हो जाएगा 2/3x, और ये हो गया 3/2y2 का होल स्क्वायर, ये आपका जवाब है। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें भी जो फार्मूला लगेगा वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज होगा, तो ये ए बी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, कॉमन ले लिया आपने। फिर 2 आ गया फार्मूले का, ये a और b की वैल्यू हो गई, यहाँ लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लिख दें ab, इधर से लिख दें 3। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट आएगा ab और प्लस माइनस आएगा 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस हो तो इधर भी माइनस ही आएगा। चलिए अब ये भी फार्मूला, इसमें भी यही लगेगा, ये सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कन्वर्ट होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये 3 वैल्यू है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आ गया माइनस 2 आ गया, फिर ये 2 ब्रैकेट बना दें, फिर ये 2 का स्क्वायर लग गया, यहाँ एक्स वाई जेड आ गया, इधर से 2 आ गया। अब ये फार्मूले में बंद कर देंगे हम एक्स वाई जेड और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये 15वां सवाल भी इसी फार्मूले से होगा, फार्मूला मैंने लिख दिया था, इधर हम लिखें एक्स के ऊपर 4 पावर है तो स्क्वायर अंदर, और ये वाई होल स्क्वायर आ गया, तो ये 2 फार्मूले का आ गया ए बी की जगह, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4x स्क्वायर वाई, और फिर ये हो गया होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू इधर से आ गई एक्स स्क्वायर वाई, ये 1/4x स्क्वायर वाई। अब ये फार्मूले में बंद हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/4x2y का होल स्क्वायर, ये आपका जवाब है। ये इसमें भी यही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया ए की पावर 4 है तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2 आ गया, फिर ये 2 ब्रैकेट बना दें, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी ए स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 0.2, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर,
یہ آپ کا جواب ہو گیا. ادھر بھی فارمولا لگا اے اسکوائر, یہ اسکوائر دیا ہوا ہے, یہ پاور ہے اس میں 4. ٹھیک ہے, اب اس کو لکھیں گے ہم یہاں پر اے اسکوائر یعنی 3 کا اسکوائر ہو گیا, پھر مائنس 2, یہ دو بریکٹ بنا دیں, پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے اے مائنس 3 بی کا ہول اسکوائر, پھر ایک اور اسکوائر لگا دیں میں, یہ ہو گیا بی اسکوائر, یہاں سے 3 آ جائے گا, یہ اے مائنس 3 بی کا ہول اسکوائر, یہ بی اسکوائر, یہ ویلیو ادھر آ گئی, یہ ویلیو یہاں سے ادھر آ گئی. اب اس کو چینج کر دیں گے, یہ ہو گیا اے اور یہ ویلیو ہو گئی بی کی جگہ پہ, تو یہ ہول اسکوائر آ گیا, تو یہ کنورٹ ہو گیا فارمولے میں. 18 کوشچن میں بھی اسی طرح کی ویلیو ہے, اے اسکوائر مائنس 2 اے بی پلس 2, تو یہ 625 ہوتا ہے, 25 کا اسکوائر, یہ 50 جو ہے یہاں 2 لکھیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ دو بریکٹ, یہاں 4 پاور ہے تو ادھر لکھیں گے اے اسکوائر اور بی, اور یہ ہول اسکوائر, یہاں سے 25 آ جائے گا, یہ آ جائے گا اے اسکوائر بی, یہ کنورٹ ہو جائے گا 25 مائنس اے اسکوائر بی کا ہول اسکوائر. اب کوشچن نمبر 19 میں جو فارمولا لگے گا وہ یہ ہے, اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر, اس کے دو فیکٹر ہوتے ہیں, یہ دو فیکٹر جو ہوتے ہیں اے پلس بی اور اے مائنس بی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اس میں سے کامن لے لیتے ہیں, تو کیا کامن آ رہا ہے اس میں سے, اے کامن آ رہا ہے, تو ایکس کی بار 4 مائنس 1/16, تو اس کو میں فارمولے میں لکھوں گا ایکس اسکوائر کا ہول اسکوائر, پھر 1/4 کا ہول اسکوائر. ٹھیک ہے جی, اب یہ فارمولا بن گیا ایکس اسکوائر پلس 1/4, پھر ایکس اسکوائر مائنس 1/4. اس میں مزید فارمولا لگ سکتا ہے, مزید فارمولا دیکھیں, یہ لگے گا کہ یہ ویلیو ہے اے اسکوائر, یہ 1/2 کا اسکوائر, تو اس کے بھی دو فیکٹر بن جائیں گے, دو فیکٹر جو بنیں گے وہ میں لکھ دیتا ہوں, اے یہ ہو گیا اے پلس بی, اور یہ ہو جائے گا اے مائنس بی, یہ آپ کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میرے دوستوں بتائیے گا آپ کو کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میری. ٹھیک ہے, اس کو آپ کمنٹ میں بتائیے گا, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے جی, اور میتھ کی گروپ ٹیوشن اگر آپ کو لینی ہے فزکس کی, تو موبائل نمبر لکھ لیں, کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں, موبائل نمبر واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ 0333-3538-011. اللہ نے کے بعد